नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा में लगातार एक के बाद एक कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कोरोना पॉजिटिव केस पाया गया। उसके बाद तीन और पुलिस अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए और कल शाम मुमरा पुलिस स्टेशन में दो और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मुमरा पुलिस स्टेशन में अब भी सनसनी मची हुई है और जैसे ही पहला केस मुमरा पुलिस स्टेशन में आया उसके बाद ही 35 और पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन किया गया। लेकिन कल शाम दो और नए केस मुमरा पुलिस स्टेशन में आने के बाद पुलिस विभाग में खलबली मच गई है और मुमरा पुलिस स्टेशन में कार्यरत PI श्री सागर अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आज उन्हें क्वारंटाइन से डिस्चार्ज किया गया है, उसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद आप देखिए वो क्या कह रहे हैं श्री सागर, आप सुनिए। सर, मेरा मैसेज ये है कि पुलिस हो या पब्लिक हो, सब में ये डर है कि कोरोना हो गया यानी सब खत्म हो गया है। तो मेरा ये कहना है कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से भी ये कहना है और पब्लिक से भी ये कहना है कि कोरोना ठीक हो सकता है, प्रॉपर मेडिसिन लेने के बाद ये ठीक हो सकता है और आप अपने घर पे जा सकते हैं, अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। तो डरने की बात नहीं, सिर्फ आपको सावधानी बरतनी है कि अपने साथ ये ना हो, इतनी सावधानी बरतनी, कोरोना ठीक हो सकता है। कोई भी आदमी अगर कोई भी बीमारी से बाहर आता है तो वो और ज़्यादा जोश से आता है क्योंकि उसको लगता है कि मैं ठीक हो गया हूँ तो आगे मैं काम कर सकता हूँ और जोश से आया हूँ कि आगे भी काम करूँगा। सब लोगों को विनती है कि हम लोग पुलिस आपके लिए रास्ते पे है लेकिन आप हमारे लिए घर में रहिए। मेरा यही कहना है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रहेंगे और इसको बढ़ने से रोकिए। मुमरा में अब तक 37 केसेस सामने आए हैं और कलवा मुमरा के विधायक व महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र हवाट की तबीयत बिगड़ती देख उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। पिछले कुछ दिनों से क्वारंटाइन हुए गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र हवाट की इसके पहले कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया था, फिलहाल अब ICU में है जहाँ उनकी इलाज चल रहा है। एक बात और हम आपको बता दें, ठाणे मनपा के हाथ में 9 प्रभाग समिति है और इस 9 प्रभाग समिति में सबसे ज्यादा मुमरा में कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं और आ रहे हैं। और मुमरा में आंकड़े को लेकर कितने केसेस बढ़े और घटे उसको लेकर सवाल बना हुआ है और इसी आंकड़े को लेकर मुमरा में सोशल मीडिया अपनी अपनी चैनल चमकाने के लिए आंकड़े कुछ भी बता देती है लेकिन ऑफिशियल आंकड़े कुछ और ही हैं। हम आपको 21 मार्च 2020 का आंकड़े बता रहे हैं। माझीवाड़ा में एक पेशेंट पाया गया है, टोटल 19 पॉजिटिव केसेस हैं माझीवाड़ा में और दूसरा वर्तक नगर प्रभाग समिति में 18 केसेस अब तक सामने आए हैं और तीसरा लोकमान्य सावरकर नगर में 17 केसेस पाए गए हैं और चौथा नौपाड़ा कोपरी में अब तक 9 केसेस कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, कोरोना से पीड़ित लोग मिले हैं। पांचवा उथलसर प्रभाग समिति में 22 केसेस पहले सामने आए थे और कल एक केस नया और मिला है। कुल मिलाकर 23 केसेस अब तक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और वाघले में 8 केसेस पहले थे और कल 2 केस नए सामने आए, यानी कुल मिलाकर 10 केसेस हो चुके हैं। सातवां जो है कलवा प्रभाग समिति में पहले 20 केसेस सामने आए थे और कल 2 केस नए सामने और आए हैं, कुल मिलाकर 22 कोरोना पॉजिटिव मरीज कलवा में मिले हैं। मुमरा प्रभाग समिति का पहले 33 ऑफिशियल रिपोर्ट आई थी केसेस है कोरोना पॉजिटिव के और अब जो है कल एक केस नया आया था। कोरोना मरीजों की संख्या अब कुल मिलाकर 34 हुई है और दीवा का ऑफिशियल रिपोर्ट 3 है। ठाणे मनपा में 155 केसेस अब तक सामने आए हैं। 9 प्रभाग समिति में सबसे ज्यादा केसेस मुमरा का सामने आया है। ये सारी आंकड़े कल तक की है, यानी 21 मार्च 2020 तक की। मुमरा कौसा के लोग काफी गुमराह भी हो रहे हैं, आखिर किसी को खांसी या बुखार भी हुआ है तो डॉक्टरों ने लेकर जाने से पहले ही उसे जो है कोरोना पॉजिटिव घोषित कर रहे हैं, कोरोना केसेस बता रहे हैं। लेकिन ठाणे मनपा के हद में 9 प्रभाग समिति है और ऐसे में कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा है। फिलहाल मुमरा में आंकड़े जो है लोग अलग अलग अपनी अपनी चैनल को चमकाने के लिए बता रहे हैं लेकिन इंतजार नहीं कर पाते हैं कि जो पेशेंट को लेकर गए हैं एम्बुलेंस में उनकी रिपोर्ट क्या है, क्या आएगी रिपोर्ट, निगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। लेकिन उसके पहले वो न्यूज़ों में अपने जो है फेमस होने के लिए या अपनी चैनल चलाने के लिए वो फौरन जो है न्यूज़ को छोड़ देते हैं लोगों तक, लोग जो है गुमराह होने पर मजबूर हो जाते हैं। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।